हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 8 बजने वाले हैं और आज हमारा प्लान था संडे राइड पे जाने का, लॉन्ग राइड पे। तो प्लान था कि सुबह 6 बजे जाने का, बट उठा ही नहीं मैं, अभी उठाऊँ 8 बज के, तो मतलब सारा प्लान फेल हो गया मेरा। तो शायद अभी जाएंगे हम, शायद 3 घंटे लेट हो गए पूरे। सोचा था कि सुबह 6 बजे निकल लेंगे, चलो देखते जो भी रहेगा। ये तो रेडी हो गया सुबह सुबह, इसने मुझे उठाया नहीं अभी भी आपको उठाने आया है? मैंने उठाया मेरे को, तो पहले आता है ना जब तू उठा था। पहले भी आया था, उठे नहीं। चलो अब मैं नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब निकलते हैं, कि धूप है ना, धूप में फिर बाइक चलाई नहीं जाएगी ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, चला लेंगे वो तो, बट स्टिल सुबह सुबह का टाइम ज़्यादा सही रहता है ना, 3 घंटे निकल जाते तो मेरे। और हम जा रहे हैं मोरनी हिल्स पे, जो कि यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर है। अभी पैकिंग भी करनी है, पैकिंग भी नहीं कर रखी मैंने बिल्कुल भी। तो गाइस अभी हम रेडी तो हो चुके हैं, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। ऐसे पास भी फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं उठे है नहीं उठे वो। ये कटोरी में चाय पीता है पीयूष, इसमें डालने में सही रहता है, उसमें गिलास में घुसता ही नहीं। अच्छा, डुबो के खाता है। तो इसके खाने का तरीका देखो, चाय के साथ में परांठा। बाय द वे यहाँ पे व्लॉग चल रहा है आज वाला, जो कि आ चुका है 8 बजे। मम्मी जी इतनी देर से फोन मिला रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे हो। हेलो, अरे उठाए तो दे यार, ये तो अपना पोपट हो रहा है पीयूष जी। अपन रेडी हो गए हैं। बाय द वे हमारा सेकंड प्लान ये है कि हम टेस्ट करवा के रिपोर्ट लेके सभी जाएंगे उत्तराखंड घूमने के लिए। सेकंड प्लान हमारा ये है। वैसे हम बिल्कुल सही हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो नेगेटिव ही आएगी रिपोर्ट, इसलिए करवा ही लेंगे, कोई नहीं। अगर उत्तराखंड जाना है तो फिर मम्मी और पापा जी व्लॉग देख रहे हैं वहाँ पे खाना खाते हुए। उठा लो भाई साहब, उठा लो, घर चलो ना, मुझे ये करके घर दूर है यार उनका। तो अभी जाने से पहले बाइक की चेकिंग वगैरह करवा लेते हैं, इसमें तेल वगैरह डलवा लेते हैं, चेन वगैरह साफ करवा लेते हैं, फिर निकलते हैं। हमारे घर के बैक साइड में है भाई की शॉप, तो यहीं से करवा लेता हूँ मैं। मडगाड़ी मैंने यहीं से हटवाया था। तो अभी 10 बजने वाले हैं गाइज, और हमारी पैकिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। पैकिंग तो मैंने कर ही ली थी, इसमें पीयूष के भी कपड़े हैं, मेरे भी हैं, लैपटॉप भी है, चार्जर भी है। देखो फिर भी काफी मोटा बैग नहीं है, तो एक ही बैग हमने किया है। वैसे निकलना तो सुबह 6 बजे था, पूरे 4 घंटे लेट हो गया, अभी तक तो हम पहुंच भी जाते वहां पे। मतलब पारस भैया का अब फोन आया, कह रहे हाँ मैं आ रहा हूँ बस 15-20 मिनट में। उनके 15-20 मिनट भी पता नहीं क्या, 1 घंटा लगाएंगे वो, बट चलो जो भी है, आराम आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। स्पीड में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आराम आराम से रुकते हुए, पीते हुए, खाना खाते हुए, पीते हुए। रोड के कोने में बैठ के डर भी हो गया। नहीं ऐसे नहीं, कोई गलत बात नहीं, जूस पीते हुए जो भी, क्योंकि बाहर धूप इतनी तेज हो रही है ना, पता नहीं इतनी धूप तेज में हमने जाने का डिसीजन कैसे किया, बट जो भी है अब जा रहे हैं तो जा रहे हैं। बाइक रेडी है, बाइक में रेडी करवा लाया हूँ, और सामान भी रेडी है, शूज डालते हैं और निकलते हैं। तो बाइक रेडी है, अभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं पारस भैया का, वो आएंगे फिर निकलते हैं। और विनोद चलो ठीक है, मम्मी जी प्रणाम आशीर्वाद देते। और ही आराम से, हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल इतने आराम से, इसका आराम से जाऊंगा, टेंशन ना लो। पापा जी प्रणाम। और ही चले, सादा जा रहे हैं, अभी हम चलते हैं, बाय। और ही आके मिलेंगे, ठीक है, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं, ठीक है। बहुत जल्दी आयो, 10:30 बज गए। ले बैग टांग, बैग टांग, भारी हो रहा है थोड़ा। बहुत जल्दी आयो यार, सुबह 6 बजे निकलना था, 5 घंटे लेट। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं हमारी फर्स्ट लॉन्ग राइड पे। यहाँ से है अराउंड 270 किलोमीटर मोरनी हिल्स। 270 किलोमीटर है फास्ट रूट पे, फास्ट पे ही चलते हैं, मतलब फास्ट रूट मतलब रोड सही होगा। हाँ वही तो, आराम से चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, शाम तक पहुँच जाएंगे। देखो मैं शर्ट डाल के आया हूँ, टी शर्ट डाल के नहीं आया इतनी गर्मी में भी, बिकॉज धूप से हाथ खराब हो सकते हैं, इसलिए मैं शर्ट डाल के लाया हूँ। तो गाइस स्टार्टिंग में ही पोपट हो गया है, हम गलत रूट पे चले गए हैं, अब यू टर्न लेके वापस जाना पड़ेगा। अराउंड 4-5 किलोमीटर हम ज़्यादा आगे आ गए हैं। अच्छा हुआ देख लिया मैंने एकदम से मैप में, हम चलते जा रहे थे अपना मस्ती में गलत रूट पे, वाह। तो अब लेते हैं यहाँ से यू टर्न और चलते हैं सही रास्ते पे। हाँ अब सही आए हैं, सही रास्ते पे। ये हाईवे नहीं है, ये एक ही लेन वाली रोड है, तो यहाँ पे बिल्कुल संभल के चलना पड़ेगा, नॉर्मल चलेंगे 50-60 पे। क्या हुआ? अच्छा हाँ तू भीग गया भाई, तेरा हेलमेट ना ज़्यादा मोटा है। वैसे कैसा लग रहा है, हैं मज़ा आ रहा है? तो अभी अराउंड हमने 15-20 किलोमीटर कवर किया है, और ये थोड़े से ब्रेक के लिए, और भैया आपने कुछ खा के नहीं आए, तो अभी केले वेले खा रहे हैं। हम तो खा के आए थे परांठे वरांठे आराम से, आपने देखा था। बोझ के तले दब गया छोटा बच्चा। ओए भाई 2 मिनट के लिए बाइक क्या खड़ी कर दी, गर्म होगी पूरी, बम जल रहे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे यार, अभी तो बहुत बाकी है। तो गाइस सीन ऐसा है, दोबारा से हम गलत चले गए थे, वापस यू टर्न मार के जा रहे हैं किसी ऑफ रोडिंग से, 2 बार पोपट हो चुका है अभी अभी। पहली बार जा रहे हैं ना इस तरह से, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। अपने को इस हाईवे पे आना था भाई, अपन गलत आ गए थे, वहाँ से सीधा चले गए थे, अब सही आए हैं बिल्कुल, ये रोड सही है। यहाँ पे थोड़ी तेज चला सकते हैं,
तो अभी पानी पीने के लिए रुके हैं। 70 किलोमीटर हो चुका है हमारा। पावर बैंक निकाल लेता हूँ क्योंकि आईफोन की बैटरी यहीं से चार्ज कर लेंगे साथ साथ में जेब में डाल के। जुगाड़ तो बनाना ही पड़ता है ना। सबसे मेन है आईफोन गर्म नहीं हो रहा क्योंकि ना हवा आ रही है ना, तो उससे देखो फोन बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इसको जेब में डाल लूंगा। आई थिंक मेरे बालों की तो बैंड बच गई है, बिल्कुल चिपक गया है हेलमेट से और पसीने से। यार क्या छोटे से बच्चे को लेके आ गया। फ्यूल भराते हैं, आधा फ्यूल हो गया तो पेट्रोल भरवा लिया, फुल करवा लिया, अब चलते हैं। तो फिलहाल अभी बम में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो रेस्ट करते हैं और कुछ खा लेते हैं। एक रेस्टोरेंट आया है, रोटी मिलेगी नहीं तो फिर चावल खा लूँगा मैं तो। फिलहाल अभी हम आए चावलाज, सिंपल खाना खाएंगे, दाल रोटी या या फिर चावल। रोटी नहीं होगी तो चावल। क्या तू क्या खाएगा? पानी। पानी खाएगा? तो हमने ऑर्डर किया था चावल, मिक्स सब्जी और रायता, रोटियां भी आ रही हैं। तो खा पी के आ गए हैं फुल। ओए अब नॉन स्टॉप चलते हैं। तो यहाँ से पीयूष कह रहा है मैं आरसी बैठूंगा और दिव्यांश मेरे साथ में बैठेगा। सुन भैया कस के बाहों में पकड़ लियो। ये सही जुगाड़ है यार। पीयूष टाइट से पकड़ लियो, डरियो मत। अबे यार पोपट हो गया, क्या हुआ? फिर से गलत आ गए, तीसरी बार गलत आ गए, अब यू टर्न लेना पड़ेगा। क्या यार ये आज क्या हो रहा है, भावनाओं में बह जा रहे हैं हम। हाय हाय, थैंक यू। हेलमेट उतारना पड़ेगा, मेरे बाल खराब हो रखे हैं। एक मिनट को उतारता हूँ। तो अभी हम रुके हैं पानी ब्रेक के लिए। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बम में दर्द हो रहा है? तो अभी यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर बाकी है, पहाड़ स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ पहाड़ देखने के लिए। आज थर्ड टाइम ऐसा हुआ है हमारे साथ में, हम गलत आ गए हैं, अब वापस जा रहे हैं यू टर्न लेके इधर। एक्चुअली मैं मैप में ध्यान नहीं दे रहा और आगे निकल जा रहे हैं, तो मैप में ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमको रास्ता तो पता नहीं है। ये कौन सी सिटी में आ गए समझ में नहीं आ रहा, पूछता हूँ किसी से या फिर लिखा हुआ दिख जाएगा। कहीं चंडीगढ़ तो नहीं आ गए अपन? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। अरे वाह चंडीगढ़ पहुँच गए अपन बाइक पे। गई चार बार नहीं, यहाँ पे हमारा 5-6 बार पॉपट हो चुका है। हम गलत चले जाते क्योंकि सिटी है ना, तो फ्लाईओवर है, नीचे से जाना है ऊपर से जाना है। जैसे हमको नीचे जाना होता है हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर हमको यू टर्न लेके वापस आना पड़ता है। तो बार बार इतने पॉपट हो रहे हैं हमारे साथ में, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी दोबारा हम यू टर्न लेके आए हैं इधर की साइड, आगे से ही पहले वहाँ से मुड़ना था, मैं फ्लाईओवर के ऊपर से आ गया, अब यहाँ से फिर यू टर्न लेके आए वापस, पोपट ही पोपट। तो गाइज फाइनली हमको पहाड़ दिख चुके हैं सामने। तो यहाँ से है अराउंड 35 किलोमीटर ओनली, तो इससे आगे के पहाड़ आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। फिलहाल मैं इसको एंड करता हूँ। आपने देखा यहाँ तक आने का हमारा स्ट्रगल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। इस ब्लॉग को इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पीयूष यहाँ पे छानबीन कर रहा है कि यहाँ पे पड़ा क्या हुआ, ये सब आगे सब देख डाला इसने। ओए क्या कर रहे है?